देश की आन बान शान तिरंगा हमीरपुर में बदहाली की हालत में है। एक साल में चौथी बार तिरंगे के फटने से देशभक्तों में गहरा रोष पनप रहा है। बार बार तिरंगे के फटने से जिला प्रशासन के द्वारा तिरंगा में घटिया कपड़ा लगाने के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बॉल स्कूल खेल मैदान में लगाए गए 134 फीट ऊंचे तिरंगा कुछ दिनों से फटा हुआ लहरा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के कानों में अभी तक खबर नहीं पहुंची है। देश की आन बान तिरंगा हमीरपुर में बदहाल हालत में है और एक साल में चौथी बार तिरंगा के फटने से देशभक्तों में गहरा रोष पनप रहा है। बार बार तिरंगा के फटने से जिला प्रशासन के द्वारा तिरंगा में घटिया कपड़ा लगाने के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बॉल स्कूल खेल मैदान में लगाए हुए 134 फीट ऊंचे तिरंगा कुछ दिनों से फटा हुआ लहरा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन को कानों कान खबर नहीं है। वहीं फटे हुए तिरंगा को लहराने के बारे में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा को पूछा गया तो उन्होंने तिरंगा फटने के लिए तेज हवा का चलना बताया है। उपायुक्त ने कहा कि तिरंगा के कपड़े में क्वालिटी ठीक रखी गई है, लेकिन हवा के तेज चलने से तिरंगा फट रहा है। नहीं, डेफिनेटली जो हवा के कारण सारी चीजें हैं, बीच में आप लोग कंप्लेन करते हो सब तिरंगा फट गया उसमें करके, तो हम बीच में रिप्लेस भी करते हैं, उसकी कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है उसमें करके लगाते भी हैं, शिफ्ट भी करते हैं, कई बार हटा भी लेते हैं उसमें करके, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि किस बजट में मैनेज कर पाएँ, जैसे उस टाइम है तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। बीच में हमने हटा भी दिया था, फिर लगा भी दिया था नया मंगा के, तो क्वालिटी की कमी रहती है और जगह भी है ऊंचाई होती है। नहीं, हर जगह एयर की स्पीड अलग अलग रहती है। मतलब कई जगह खुले में है तो खुले में यूनिफॉर्म स्पीड आती है, कई बार वो बीच में रहती है तो घूम के किस तरह से उसका बनता है, क्वालिटी को लेकर ऐसा। उधर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि बाल स्कूल मैदान में तिरंगा सही जगह पर लगाया गया है और बाल स्कूल में लगाए गए झंडे के फटने की जानकारी नहीं थी और इस बारे में उपायुक्त से बात करके शिमला में लगाए गए झंडे की तरह यहां पर भी झंडा ज्यादा दिन चले। तब क्यों नहीं इस पे वो हुआ? मैं नहीं समझता, स्वाद को साइड कर लेते हैं। मैंने शिमला में दिखा रही लगा हुआ है, लेकिन उसका जो झंडा जो तैयार किया जाता है, पहले वहाँ जो झंडा तैयार किया जाता था वो 2-3 महीने पड़ जाता था, लेकिन अब उन्होंने उसका थोड़ा साइज कम करके इस ढंग से बनाया हुआ है, अब वो झंडा फटता नहीं। वैसे मैं आपका इसके लिए मुझे आपने जागरूक किया कि झंडा फट जाता है, वैसे मेरे नॉलेज में ये बात थी नहीं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कि जो शिमला ने जिस ढंग से जिस पैटर्न से वो फ्लैग बनाया है, एक बार उस ढंग से बनाया ताकि कम से कम जानू साल में एक साथ पूरा चले, ये हमारे देश का गौरव है, फ्लैग हमारा ठीक रहे, तो इसमें इसके लिए जो भी हमें अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि भाई साइड ठीक नहीं है, कहीं भी इधर झंडे ऊंचा लगाएंगे तो जब हवा तो चलेगी चलेगी, और ये जो फटता है तो हवा से फटता ही है, इसके मेक में प्रॉब्लम हो सकती है। हम कोशिश करते हैं, आपने मेरी ध्यान में बात लाई, इसके लिए भी और जगह क्या इसका हवा कभी यहाँ पे और